गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और उसमें है हमारा रिवीजन पार्ट 3। लास्ट में हमने रिवीजन पार्ट 2 देखा था ना, तो आज हम लर्न करेंगे और लिखेंगे पार्ट नंबर 3। तो सभी बच्चे अपने इंग्लिश की नोटबुक निकाले और उसमें लिखे रिवीजन पार्ट 3। सभी बच्चों को यहाँ पर मेरे साथ लिखना है। क्वेश्चन लिखेंगे हम, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे मैं पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, वो आपको भी करनी है। आपको जैसी आती है लेकिन वैसी भी आपको ड्रॉ करनी है। हम आंसर बाद में लिखेंगे, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। Look at the pictures and fill in the blanks। हमें क्या करना है, पिक्चर पहले देखनी है, वो कौन सी पिक्चर है, तो हमें पता चल गया कौन सी पिक्चर है, उसके हमें कुछ यहाँ पे स्पेलिंग लिखे और उसकी जो ब्लैंक है वो हमें फिलअप करनी है। तो फर्स्ट है, ये क्या है, हैट है, हैट है ना, हैट यानी कि टोपी, जो हमारी टोपी होती है ना, वो जिसे हम टोपी बोलते हैं, वो हमारी हैट है। तो हेड का स्पेलिंग क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एच दिया है, तो हमें बाकी के ब्लैंक्स हमें फिलअप करनी है। तो इसका स्पेलिंग आएगा ATHAT। अभी सभी बच्चों को समझ में आया ना कैसा क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे उसके आंसर फिलअप करने हैं। सेकंड क्या आपको दिख रहा है, लिफ, लिफ, तो लिफ का स्पेलिंग है LEAF। उसके बाद है बॉल, उसका स्पेलिंग है BALL। लास्ट में ट्री, तो ट्री का स्पेलिंग है TRE। काइट, तो उसका स्पेलिंग है KITE। ये है मून, तो उसका स्पेलिंग है MOON। लास्ट में है कप, तो उसका स्पेलिंग आएगा CUP, यानी कि कप उसके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर भी आपको आएगा। यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स होंगी और उसके कुछ और स्पेलिंग होंगे, वो भी आपको लर्न करने हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी लर्न करना है। तो ये रिवीजन हमारा आज का यही तक का था, रिवीजन पार्ट 3। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।